हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास गालिबन बैठे थे, तो आपके पास कोई ताबी बैठे थे, तो अचानक आपने फरमाया तुम्हें जन्नती औरत ना दिखाऊं। उन्होंने कहा जी दिखाइए। तो कहा वो जो स्याह रंगत की खातून गुजर रही है ये जन्नती। तो उन्होंने कहा वो कैसे? कहा एक दिन ये हुजूर के पास है और आका करीम से कहने लगी हुजूर मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मुझे मिर्गी के दौरे पड़ गए तो मैं गिर पड़ती हूँ, तो आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए मैं इस बीमारी से बच जाऊं। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तू सब्र करे तो तेरे लिए जन्नत का वादा है, आप कहो तो मैं दुआ कर देता हूं तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन अगर तुम सब्र करो तो जन्नत का वादा है। तो उसने कहा ठीक है मुझे मंजूर है जन्नत वादा ठीक है, लेकिन जब मैं गिरती हूं तो मेरा पर्दा खुल जाता है, औरत जात चलो ठीक है बीमारी रहे गिरूं भी लेकिन इतनी दुआ तो कर दें कि पर्दा ना खुले। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया हाँ ये दुआ मैं कर देता हूँ। कहा कि मिर्गी के दौरे से अब भी पड़ते हैं, अब भी गिर जाती है, लेकिन अल्लाह इसके पर्दे की हिफाजत करता है। अल्लाह अकबर। तो पर्दा कितनी अहम चीज है, और हमारा दीन हमें इसकी तलकीन करता है कि तुम्हारा हया नहीं लुटना चाहिए, तुम्हारे पर्दे की हिफाजत रहनी चाहिए। हयात